ऐतिहासिक रूप से, विशेष रूप से पश्चिमी अर्थशास्त्र में रिकॉर्ड उच्च इन्फ्लेशन ने नीति निर्माताओं को थोड़े समय के भीतर प्रमुख ब्याज दरों में अचानक वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी पिछले 2 महीनों में 2 बार रेपो रेट में 90 BPS की बढ़ोतरी की है। विदेशी संस्थागत निवेशकों FII द्वारा बिकवाली से घरेलू बेंचमार्क अपने उच्च स्तर से -17% से अधिक गिर गए हैं, जबकि चुनिंदा क्षेत्रों में YTD आधार पर -20% से अधिक की गिरावट आई है। घटनाओं की यह श्रृंखला आमतौर पर घरेलू बेंचमार्क को उनके उच्च स्तर से -17% से अधिक गिरने की ओर ले जाती है, जबकि चुनिंदा क्षेत्रों में YTD आधार पर -20% से अधिक की गिरावट आई थी। घटनाओं की यह श्रृंखला आमतौर पर एक निर्णय की ओर ले जाती है जो जरूरी नहीं कि पोर्टफोलियो में सही हो और इसे निवेशकों द्वारा टाला जाना चाहिए। 1. घबराहट में स्टॉक बेचना। गिरते बाजार में यह एक सामान्य प्रवृत्ति है क्योंकि भावनाएं व्यवहारिक निर्णय पर हावी हो जाती हैं। एक कठिन बाजार में घबराना गलत है जब तक कि आपके स्टॉक होल्डिंग्स को मजबूत फंडामेंटल द्वारा समर्थित किया जाता है। इसके अलावा पैनिक सेलिंग आदर्श रूप से कम कीमत पर बेचने का मामला है। इससे कम पर बिकवाली करके पोर्टफोलियो में आपका घाटा बढ़ जाता है। 2. औसत अवधारणा पर निर्माण। आमतौर पर हर गिरावट पर शेयरों को खरीदने की प्रवृत्ति औसत खरीद की लागत होती है, लेकिन शेयरों की मौलिक ताकत को जाने बिना ऐसा करने से आपको पोर्टफोलियो में अधिक नुकसान होगा। गिरते हुए चाकू को पकड़ने से बचना हमेशा बेहतर होता है और ऐसी घटनाओं के कारणों का मूल्यांकन करने के लिए विराम लें। 3. नीचे की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा है। बाजार परम सर्वोच्च है और जब तक शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक यह अपनी कार्रवाई करेगा। इसलिए निर्णय का समर्थन करने के लिए ठोस आधार के बिना भविष्यवाणी के आधार पर निवेश करना भी उतना ही अनिवार्य है। बॉटम मानकर बड़ी रकम का निवेश करने से पोर्टफोलियो में भारी सेंध लग सकती है, जिससे आत्मविश्वास भी डगमगा जाएगा। यह आगे चलकर तदर्थ भावना आधारित निर्णयों की ओर ले जाता है। 4. निर्णय लेने में कठोर होना। लंबी अवधि के आधार पर टिके रहने और फलने फूलने के लिए निवेशकों के लिए बाजार के साथ लचीला होना अनिवार्य है। बाजार के आपके खिलाफ जाने के बावजूद कठोर दृष्टिकोण रखने से सबके परिणाम होंगे। एक निवेशक के रूप में हमें बाजार में प्रचलित भावना को स्वीकार करना चाहिए और मौजूदा स्थिति में पोर्टफोलियो के लिए सबसे अच्छी रणनीति को फिर से तैयार करें। 5. सब कुछ और कुछ भी खरीदना। निवेशकों को हमेशा बाजार की मौजूदा स्थिति के आधार पर बदलाव किए बिना अपने शुरुआती वित्तीय लक्ष्यों योजना के साथ बने रहना चाहिए। जब कीमतें सिंगल डबल डिजिट में होती हैं और आमतौर पर मूलभूत विशेषताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो यह अक्सर खरीदने के लिए आकर्षक होता है। बेतरतीब ढंग से खरीदारी करने से पोर्टफोलियो में अत्यधिक विविधीकरण के साथ स्टॉक की अनावश्यक वृद्धि होती है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। नई ऊंचाइयों पर लौटने से पहले एक बार कठिन दौर से गुजरना बाजार की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पोर्टफोलियो के प्रबंधन में तार्किक रूप से संपर्क करना चाहिए। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।